जेवर एयरपोर्ट के आसपास चार नए शहर। उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ चार बड़ी स्मार्ट सिटीज की योजना पर भी काम जारी है। जेवर एयरपोर्ट यूपी और दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके साथ ही चार नए शहर बसाने के प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। चारों शहर जेवर एयरपोर्ट के नजदीक और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसाए जाएंगे। इन नए शहरों में आवासीय, औद्योगिक, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल जैसी सभी तरह की एक्टिविटी होंगी। इन चार शहरों में सबसे पहले नाम आता है न्यू नोएडा का। गौतम बुद्ध नगर में ही एक नया नोएडा शहर बसाने की तैयारी चल रही है। नया शहर 80 से ज्यादा गांवों को मिलाकर बनाया जाएगा। ये गांव खुर्जा, दादरी और बुलंदशहर के होंगे। नए नोएडा के मास्टर प्लान पर काम जारी है। नए नोएडा में कार्गो, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं होंगी। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और अमृतसर कोलकाता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी नए नोएडा से होकर ही गुजरेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है 11,000 हेक्टेयर में बनने वाला टप्पल बाजना शहर। जेवर एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर टप्पल बाजना अर्बन सेंटर के नाम से शहर बसाया जाना है। टप्पल अलीगढ़ जिले का एक ब्लॉक है। टप्पल यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे है। इस शहर की खासियत ये होगी कि यहाँ लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। इसके बाद तीसरा नया शहर न्यू आगरा होगा। नया आगरा भी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे ही बसाया जाएगा। नया आगरा करीब 12,000 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। ऐसे चर्चा है कि नए आगरा से लेदर इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलेगा। नया आगरा बसाने में जरूरी कागजी कार्रवाई अन्य तीन शहरों के मुकाबले जल्द पूरी हो जाएगी, क्योंकि नया आगरा एनसीआर में नहीं आता है। यूपी सरकार की मंजूरी मिलते ही नया आगरा बसाने का काम शुरू हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है मथुरा में बसने वाला नया वृंदावन शहर। यमुना प्राधिकरण ने राया में नई वृंदावन हेरिटेज सिटी बसाने की योजना बनाई है। हेरिटेज सिटी को 9,350 हेक्टेयर में बसाने की तैयारी है। पहले चरण में 731 हेक्टेयर में टूरिज्म जोन और 110 हेक्टेयर में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी CBRE का चयन किया गया है। कंपनी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट यमुना प्राधिकरण को सौंप दी है। ड्राफ्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पर धार्मिक पर्यटन के साथ ब्रज की संस्कृति को दिखाया जाएगा, ताकि मथुरा वृंदावन आने वाले लोग यहाँ पर आकर रुक सके। यहाँ पर रिजॉर्ट, बजट होटल, वेलनेस सेंटर और एडवेंचर एक्टिविटीज को भी विकसित किया जाएगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते समय कंपनी ने वियतनाम और मलेशिया के शहरों की स्टडी की है।